भाई साहब, ट्रेन में सामान की अदला बदली या फिर सामान की चोरी, ऐसी खबरें तो आप आए दिन सुनते ही होंगे। और यही चीज अगर आपके साथ हो जाए तब, लेकिन पैसा या सामान चोरी ना होकर आपकी दुल्हन या वाइफ गायब हो जाए या फिर दुल्हन की अदला बदली हो जाए। फिलहाल इतने खुश मत होइए, पुरानी वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, नई नवेली दुल्हन की बात कर रहा हूँ जो गायब हो गई या फिर अदला बदली हो गई, तो थोड़ा सा दुख और बवाल तो होगा ही। बस फिर क्या, मेकर्स और राइटर्स के दिमाग में ये आइडिया जला, बत्ती जली और उन्होंने एक लिख डाली कहानी। कहानी ही तक सीमित नहीं रही, इन्होंने एक मूवी भी बना डाली है जो अभी मार्केट में फुल ट्रेंड कर रही है, चर्चा पे चल रही है। फिलहाल बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन ये मूवी अपने हिस्से की ऑडियंस को लेकर बवाल तो काट रही है। तो भाई साहब, ये खबर हमारे कानों तक भी पड़ी और हमने इस मूवी को देख डाला है। मूवी धमाकेदार है, मूवी को रिव्यू करेंगे विदाउट एनी स्पॉइलर, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तो अभी आपको भी पता लग जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और इसके बारे में आप प्लान कर भी रहे हैं तो फिर वेट कर लीजिए एक आध मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई लोगों, शायद इसके बारे में अभी तक बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मूवी में कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं है या फिर बड़ा कोई नाम नहीं है और ना ही बड़े डायरेक्टर का नाम है, जिसकी वजह से ये उतना पॉपुलर नहीं चल रही है। मूवी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन जिस बेहतरीन अंदाज से इसे रखा गया है जनता के सामने, वो चुम्मेश्वरी है और बवाल है। स्टोरी शुरू होगी 20 साल पहले के एक ऐसे एरा को लेकर जो आज की जो न्यू ताजी मॉडर्न जमाने की ऑडियंस है, उन्हें थोड़ा सा ये एक कॉन्सेप्ट एक बार के लिए अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर विलेज या फिर गांव की ऑडियंस होगी तो भाई वो इजीली कनेक्ट कर जाएगी। और इसी समझदारी में जो आपको फन मिलेगा इसके बीच में, वो वही मजा आ जाएगा। मूवी की कहानी स्टार्टिंग से जिस मुद्दे के हिसाब से शुरू होती है वह और उसी पर फोकस होकर ये मूवी स्टार्टिंग टू एंड तक बिना मुद्दे को भटकाए, बिना किसी और चीज को बरगलाकर, कोई भी चीज को लंबा खींचकर ये कहीं भी टाइम पास नहीं करेंगे। जो इसका हिसाब किताब है इस मूवी का, उसी के बीच आसो पास ये मूवी घूमती रहेगी और आपको इतना इंगेज कर देगी कि जब आप शुरू करेंगे और ख़त्म भी हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार 2 घंटे 2 मिनट कम निकल गए। दूसरा, कास्ट कोई ऐसी नहीं है कि आपने इन्हें देखा ही है, सारे चेहरे आपको नए लगेंगे, लेकिन जिस हिसाब की परफॉर्मेंस इन सारे एक्टर ने करी है और जिस हिसाब का कैरेक्टर जो ये लोग पकड़े हैं और उस कैरेक्टर में जान इन्होंने भरी है, नामे जाने एक्टर्स एक बार के लिए उनकी धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। दूसरा, रवि किशन भैया ने जो काम किया है इसमें, इंस्पेक्टर का किरदार इन्होंने निभाया है। कौन सा इंस्पेक्टर? घूसखोर इंस्पेक्टर, जो बिना घूस के भाई कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जब भी स्क्रीन टाइम इन्हें मिला है भाई साहब, ओवर शैडो करके गए हैं, पूरा खा के गए हैं। और ऐसे ही कंटेंट मैं कहूंगा रवि किशन भाई के लिए बननी चाहिए। मूवी में दीपक उर्फ अपना मेन कैरेक्टर नई नवेली दुल्हन को बिहा के ले आता है, लेकिन घूंघट प्रथा के अनुसार भाई ट्रेन में इससे हो जाती है अदला बदली। किसकी? अपनी नई दुल्हनिया की अदला बदली हो जाती है, जो बदले में कोई और दुल्हन लेके आते हैं, लेकिन इन्हें अपनी जो ओरिजिनल दुल्हन थी उसका चेहरा भी याद नहीं होता। याद क्या, उन्होंने देखा ही नहीं होता क्योंकि घूंघट लगा होता है, दैट्स वाई की सीधा सेंस बनता है कि भाई साहब इन्होंने चेहरा तो देखा नहीं हो। और भाई इसी जद्दोजहद में जो पूरा कॉमेडी का ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, देन उसके बाद एक बार के लिए इमोशनल एंगल भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल टच करके जाएगा। लेकिन इसका जो मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सोशल मैसेज एंड वुमन एम्पावरमेंट पर जो वैल्यूएबल लाइफ लेसन आपको देखा जाएंगे, वो दमदार है। तो भाई साहब, नहीं देखा है इस मूवी को तो जरूर देखना, क्यों बाकी मैं दूंगा इस मूवी को 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।